हमास के हमले के बाद इसराइल के साथ दुनिया भर की हमदर्दी है। हमास की इस बात के लिए सभी आलोचना सब कर रहे हैं कि उसने बेकसूर नागरिकों की हत्या की और उन्हें अगवा किया, लेकिन इसराइल की जवाबी कार्रवाई का कहर भी बिल्कुल बेगुनाह नागरिकों पर ही टूट रहा है। गाजा पट्टी में इसराइल ने बिजली पानी तो बंद कर ही रखा है, वहां के अस्पतालों, स्कूलों और राहत शिविरों को भी नहीं छोड़ा। देखिए सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, जंग की खौफनाक तस्वीरें। इस महिला की चीखें दिल दहला देने वाली है। इनका 4 साल का बेटा इसराइल के हवाई हमले में मारा गया। इसराइल के हवाई हमलों के बाद गाजा के कई इलाके मलबे में तब्दील हो गए। हर हवाई हमले के बाद मलबे से आम नागरिकों के शव निकल रहे हैं। इसराइल के हवाई हमलों में सबसे ज्यादा कहर नन्हे बच्चों पर बरपा है। कोई अपने बच्चे का शव छाती से लगाकर रो रहा है तो कोई डॉक्टर से गुहार कर रहा है कि किसी तरह उसके बच्चे को लौटा लाए। हर इमारत के मलबे से नवजात बच्चों के शव निकल रहे हैं। ये तस्वीरें बुधवार दोपहर की हैं। गाजा के रिहायशी इलाकों में इसराइल ने बम गिराया है और एक पिता अपने घायल बच्चे को लेकर अस्पताल की तरफ भाग रहा है। ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में भी सैकड़ों निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं। रोती हुई मां सवाल पूछ रही है कि उसका 3 साल का बेटा हमास में नहीं था तो इसराइल ने उसके बेटे की हत्या क्यों की। ये तस्वीरें गाजा के अल रिमाल शहर की हैं, जो अब खंडहर में तब्दील हो गया है। इस बिल्डिंग में एक घर 60 साल के रियाज शाबान का भी था। रियाज शाबान बता रहे हैं कि कल रात 2 बजे उन्हें और यहाँ रहने वाले लोगों को तुरंत मकान खाली करने के लिए कहा गया और वो जब सुबह लौटे हैं तो सिर्फ उन्हें अपने घर की धूल ही मिली। इसराइल की चेतावनी के बाद गाजा में रहने वाले आम लोग शरणार्थी कैंपों में रहने के लिए जा रहे हैं, पर शरणार्थी कैंपों में भी ये लोग सुरक्षित नहीं हैं। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। इसराइल ने बुधवार सुबह अचानक से जुबाली शरणार्थी कैंप में बमबारी कर दी, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग शरण लिए हुए थे। फिलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक जुबाली कैंप में हुई इजरायली बमबारी में अब तक 155 निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। इन तस्वीरों को लफ्ज देने की जरूरत नहीं। सवाल ये उठ रहा है कि इजरायल शरणार्थी कैंपों को क्यों निशाना बना रहा है, जहां निर्दोष लोग अपने घरों के राख बन जाने के बाद शरण लिए हुए हैं। I have sent you a video about the massacre in Jabalia camp. And there is very, very heavy airstrike and bombing in Gaza City. Lots of casualties. The number up to now is 155 people. With the end of the day, we don't know exactly how much the number will be. इजराइल के हमले में गाजा में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों की भी मौत हो रही है। शनिवार से लेकर अब तक इजरायली बमबारी में 6 पत्रकारों की मौत हो चुकी है।
ये दो पत्रकारों मोहम्मद शुभ और सईद अल तवील का जनाजा है जिनकी मौत इसराइल द्वारा गिराए हुए बमों से हुई। फिलिस्तीन प्रशासन के मुताबिक इसराइल ने गाजा के अल करामा इलाके में सफेद फास्फोरस केमिकल का इस्तेमाल किया है जो पूरी तरह बैन है। सफेद फास्फोरस हवा से सारी ऑक्सीजन सोख कर हड्डियों को गला देता है। फिलिस्तीनी सरकार के मुताबिक अब तक इजरायली हवाई हमले में 22,639 रिहायशी इलाके, 10 अस्पताल और 48 स्कूल पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। ये तस्वीर हदी, शाम और अली की है जिनकी मौत उनकी पत्रकार मां के साथ इजरायली हवाई हमले में हो गई। ये ड्रोन फुटेज दिखाता है कि कैसे इजरायली बम गिरने के बाद एक रिहायशी इमारत जमींदोज हो जाती है। ऐसी तमाम तस्वीरें हैं गाजा से जो दिखा रही हैं कि इस युद्ध की कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। ये तस्वीर एक नर्स की है जो अस्पताल में लोगों की जान बचा रही थी, तभी उसको खबर मिली कि उसके पति की इजरायली बमबारी में मौत हो गई। फिलिस्तीन ने ताजा बयान जारी कर अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से मदद मांगी है और कहा है कि इसराइल ने गाजा में पानी और बिजली लाइन बंद करके युद्ध अपराध किया है। बच्चे, बूढ़े, औरतें बेवजह मारे जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह खूनी संघर्ष कब रुकेगा, क्योंकि अब तक किसी बड़े देश ने पहल नहीं की है कि वो इसराइल और हमास के बीच बात करके शांति स्थापित करा दे। और जाहिर सी बात है कि इसराइल ज़्यादा मजबूत शक्तिशाली है तो कीमत गाजा में फिलिस्तीनियों को ज़्यादा चुकानी होगी। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।